हरिचरण दुर्गादास शर्मा के पिता रामदास बाबू का एक बड़ा प्यारा नौकर था। उसका नाम हरिचरण था। वह कोई 12 वर्ष का था और सभी कहते कि वह बहुत ही सुंदर, समझदार और अच्छा लड़का है। छोटे बड़े सभी काम करने के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। गाय को सानी देने से लेकर रामदास बाबू के पैर दबाने तक वह सब काम बड़े चाव से करता। हर वक्त किसी न किसी काम में लगे रहना उसे बहुत पसंद था। इस तरह सुख दुख लाड़ धंधे में हरिचरण ने रामदास बाबू के घर लगभग 1 साल बिता दिया। दुर्गादास बाबू उस समय कलकत्ते में पढ़ते थे। बीए पास करके जब वे घर आए तब उनका परिचय पहली बार हरिचरण से हुआ। सारा घर उस समय दुर्गादास बाबू की सेवा में, उन्हें खिलाने पिलाने में लगा हुआ था। हरिचरण भी खुशी खुशी उनका सारा काम करता, उन्हें नहलाता, उनका पानी रखता, वक्त पर पान का डिब्बा हाजिर करता, मौके पर गुड़गुड़ी भर लाता। दुर्गादास बाबू भी उसके काम से बहुत खुश थे। हरिचरण उन्हें इसलिए पसंद आया क्योंकि वह काम करता। एक दिन दुर्गादास बाबू को किसी दावत में जाना था। लौटने में बहुत देर हो सकती थी, इसीलिए उन्होंने हरिचरण से रोज का कामकाज कर लेने के बाद सो जाने के लिए कहा। पर शाम होने से पहले ही हरिचरण के सर में दर्द होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे तेज बुखार हो गया। जब उससे बैठा नहीं गया तब वह जाकर सो गया। उसे इस बात का भी होश नहीं रहा कि छोटे बाबू का बिस्तर बिछाना बाकी है। रात को करीब 12-1 बजे दावत खाकर दुर्गादास बाबू घर आए। उन्हें बहुत नींद आ रही थी, पर आकर उन्होंने देखा कि बिस्तर नहीं लगे हुए हैं। गुस्से में उन्होंने हरिचरण को 3-4 बार जोर से पुकारा, पर बेचारा हरिचरण तो बुखार में बेहोश पड़ा था। गुस्से में आकर वे हरिचरण की कोठरी में गए। उसे सोया पड़ा देखकर दुर्गादास बाबू के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने कसकर उसकी पीठ पर जूते की एक ठोकर जमा दी। जोरदार चोट खाकर हरिचरण उठ बैठा। छोटे बाबू ने उससे कहा, छोटे बच्चों के माफिक सो गया है, बिस्तर क्या मैं लगाऊंगा, और गुस्से में 2-3 बेंत और जमा दिए। अगली सुबह हरिचरण ने बाबू को हाथ मुंह धोने के लिए पानी रख दिया और उनकी फर्शी सुलगा कर रख दी। हरिचरण उनका प्रिय पात्र था, इसलिए उन्होंने कई बार उसके बुखार और घाव के बारे में पूछना चाहा, पर उसके पास जाने में उन्हें शर्म महसूस होने लगी। आखिर वह नौकर ठहरा। करीब 9 बजे कहीं से तार आया। खोल कर पढ़ा तो पता चला कि दुर्गादास बाबू की स्त्री सख्त बीमार है। उन्हें उसी दिन कलकत्ता जाना पड़ा। गाड़ी पर सवार होते ही वे सोचने लगे, भगवान कहीं प्रायश्चित तो नहीं हो रहा है। करीब 1 महीने बाद दुर्गादास की स्त्री बीमारी से ठीक हो गई। उन्हें जैसे नई जिंदगी मिली हो, मरते मरते बची थी। घर से तभी चिट्ठी आई, उसमें लिखा था, बड़े दुख की बात है, कल सवेरे 10 दिन तक ज्वर में पड़ा रहकर हरिचरण मर गया। मरने से पहले उसने अनेक बार आपको देखना चाहा। दुर्गादास बाबू ने चिट्ठी को पढ़ा और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया।